हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मैं चैप्टर वन अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी कराने जा रही हूँ, फूट प्रिंट विदाउट फीट का। ट्रम्प का मतलब होता है जीत, किसी जीत हासिल करना, किसी भी चीज से हमें जीत हासिल करना। और सर्जरी तो आप जानते हैं, सर्जरी तो इस चैप्टर का मतलब है सर्जरी की जीत। तो चले आगे पढ़ते हैं कि किस इस चैप्टर में कौन सी सर्जरी और किस चीज की बात की गई है। चलिए, कहानी इस तरह स्टार्ट होती है कि एक मिस्टर हैरियट नाम के एक शख्स होते हैं, ठीक है। उनका प्रोफेशन ये होता है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। वो अलग अलग डॉग्स को देखते हैं, डॉग्स की बीमारियों को, किस डॉग को क्या बीमारी है वो सब देखते हैं। तो वो स्ट्रीट पर जा रहे होते हैं तो उनकी जो मुलाकात होती है वो एक मिसेस पंपरी नाम की एक लेडी से मुलाकात होती है। अब मिसेस पंपरी को बहुत ज्यादा रिच दिखाया है, वो बहुत ज्यादा अमीर होती है, प्लस उनका एक डॉग होता है जिसका नाम होता है ट्रिकी। मिस्टर हैरियट पंपरी से मिलते हैं। अब वो उसके बाद मिस्टर हैरियट जो होते हैं वो पंपरी के डॉग को देखते हैं। अब वो डॉग को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर हैरियट तो डॉग, उनका तो काम ही डॉग को देखना होता है, डॉग का बिल्कुल ठीक तरह से वो चले, डॉग वगैरह हॉस्पिटल होता है उनका। तो वो जब ट्रिकी को देखते हैं कि ट्रिकी तो बहुत ज्यादा एक तरह से पूरा का पूरा कबाब बन गया होता है, मतलब उसके हाथ पैर अंदर धसे हुए होते हैं और बिल्कुल वो एक डॉग ना लगकर वो कुछ एक अलग ही पिलो सा लग रहा होता है। मिस्टर हैरियट मिस्टर पंपरी से कहते हैं, मिसेस पंपरी से कहते हैं कि मिसेस पंपरी ये क्या हाल हो गया है ट्रिकी का। तो जो मिस्टर पंपरी मिसेस पंपरी होती है वो ये कहती है कि मुझे लगता है कि जो मेरा डॉग है ना ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, मतलब इसे खाना नहीं सही से नहीं मिल रहा इसलिए ऐसा सुस्त हो गया है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब ये बताइए मिसेस पंपरी आप जो है ट्रिकी को क्या देती हैं खाने में। तो बताती हैं कि मैं ट्रिकी को आइसक्रीम देती हूँ, कोड लिवर ऑयल देती हूँ और मैं चॉकलेट भी देती हूँ, ये वाइन भी बहुत शौक से खाता है। तो ये सब सुन के तो मिस्टर हैरियट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या आप इसको एक्सरसाइज देती ही नहीं देती। तो कहती है नहीं, एक्सरसाइज तो मैं आजकल दे नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा नौकर है नहीं। तो फिर वो कहते हैं अगर आप इसी तरह इसे खाना खिलाती रही ना, इसी तरह खाना खिलाती रही तो एक ना एक दिन सिक हो जाएगा, शायद ये मर जाए। अब मिसेस पंपरे सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो एक एनिमल लवर होती हैं, उन्हें उन्हें डॉग से अपने इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है कि वो उसे हर चीज़ खिलाती हैं विदाउट ये सोचे हुए कि मैं इसे खिला रही हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं दे रही, तो ये तो पूरा का पूरा एक पिलो, एक तकिया, एक कबाब सा बन चुका है। फिर वो मिस्टर हैरियट से कहती हैं कि प्लीज़ आप कुछ करिए ना, आप कुछ करिए। वो कहते हैं ठीक है मैं आपको बता दूंगा कुछ दिन में। इस पर मिसेस पंपरी कहती है कि ठीक है मैं आपको कुछ दिन में जरूर कॉल करूंगी, आप मेरे इसका ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होता है, अब मिस्टर हैरियट को पता होता है कि कुछ दिनों में मिसेस पंपरी का कॉल जरूर आएगा, वो वेट भी कर रहे होते हैं, अचानक से कॉल आ जाता है। तो मिसेस पंपरी जो है डॉक्टर हैरियट को अपने पास बुलाती है कि आप इसे किसी तरह मेरे ट्रिकी को ठीक कर दो। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं ठीक है मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं 15 दिन के लिए इसे हॉस्पिटल में रखूंगा, वहीं इसका इलाज कर सकता हूँ, ठीक है घर पर तो होगा नहीं इलाज। तो मिसेस पंपरे कहते हैं कि ठीक है मैं अपने इसको ठीक करने के लिए जुदाई भी मैं सहन कर लूंगी। तो अब क्या होता है, वो अपनी गाड़ी जो है मिस्टर हैरियट वो मिसेस पंपरी के घर के बाहर लाते हैं, वो ले जाते हैं ट्रिकी को अपने साथ। अब क्या होता है, अब मिसेस पंपरी को इतना ज्यादा लविंग पर्सनैलिटी दिखाया गया है अपने डॉग के पीछे, वो इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो अपने साथ ये रखती है कि ये इसके सोने के कपड़े, ये इसके रेन के कपड़े, जब बारिश आए तब उसे ये पहनाइएगा, इस चीज में इसे खाना दिएगा, इस चीज में इसे दूध दिएगा, तो ये सब वो दे देती है। अब जितना वो मिस्टर हैरियट ले पाते हैं वो ले जाते हैं। फिर वो ट्रिकी को ले जाते हैं वहां पर हॉस्पिटल। अब वो वहां पर ट्रिकी का इलाज करते हैं। अब वो इलाज इस तरह करते हैं कि वो ट्रिकी को 2 दिन तक तो वो कुछ खाने का ही नहीं देते, सिर्फ पानी देते हैं। अब जो दिन तक जब वो कुछ कुछ खाएगा नहीं तो उसके बाद वो थोड़ी सी हलचल करने लगता है, हलचल होने लगती है क्योंकि उसे खाना नहीं मिला। तो जब कुछ खाना नहीं मिलता किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो उसका अपना जो फैट होता है ना, उसका जो बॉडी उसी का फैट खाने लगती है, तो वो थोड़ी सी हरकत करने लगता है। फिर साथ साथ ये होता है कि मिस्टर हैरियट के पास और बहुत सारे डॉग होते हैं क्योंकि उनका तो हॉस्पिटल होता है। तो वो डॉग जो है वो पहले तो आके ट्रिकी को सूंघते हैं, फिर उसके बाद वो अपने
खेलने में लग जाते हैं। तो फिर कुछ दिन गुजरते हैं, 2 या 3 दिन वो उसको ज्यादा खाना भी नहीं मिलता, प्लस वो क्या करते हैं ट्रिकी, अब बाकी कुत्तों के साथ जो है वो उनके साथ दौड़ता है, उनके साथ खेलता है, तो इसी तरह वो थोड़ा 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 सुस्त से एक्टिव होने लगता है और वो खाने लगता है। तो दूसरी तरफ ये दिखाया गया है जो मिसेस पंपरे होती है, वो तो उनके उनका तो एकमात्र सहारा होता है अपना डॉग, उसकी उसकी जुदाई में बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, तो वो कॉल करके पूछती रहती है कि मेरा मिस्टर हैरियट को ट्रिकी कैसा है, वो सही से खा रहा है या नहीं खा रहा, ठीक है, और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ, वो ठीक कब तक होगा, तो ये सब वो पूछती रहती है। तो डॉक्टर मिस्टर हैरियट कहते हैं हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो मिसेस पंपरी होती है ना, वो अपने डॉग के लिए ना अंडे की ट्रे, ब्रांडी शराब होती है और बियर, ये सब भिजवाती है कि ये सब जो है ना ये मेरा ट्रिकी खाएगा। अब क्या होता है, अब जब ये सामान आता है तो ट्रिकी को तो ये सब देते ही नहीं है वो खाने का मिस्टर हैरियट, तो वो क्या करते हैं मिस्टर हैरियट और उनके जो साथ के जो साथी होते हैं, नौकर होते हैं, वो रोजाना जो है ये अंडे और ये ब्रांडी खाते हैं और मजे करते हैं। तब तक ट्रिकी रहता है जब तक मिसेस पंपरे ये खाने का देती है कि वो तो देती है कि चलो मेरा डॉग खा लेगा, लेकिन वो डॉग नहीं खाता बल्कि ये सारे के सारे खाते हैं। तो बताते हैं, तो मिस्टर हैरियट ही बताते हैं कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छे से गुजर रही थी जब तक ट्रिकी हमारे पास था। अब दिन बीतते जाते हैं, ट्रिकी नॉर्मल होता रहता है, उसे एक्सरसाइज भी मिल रही है कि वो और कुत्तों के साथ खा रहा है, उनके साथ खाना शेयर कर रहा है, एक्सरसाइज भी मिल रही है बहुत अच्छे से। तो अब जो है वो सोचते हैं कि चलो अब मैं ना ट्रिकी को वापस कर देता हूँ, लेकिन वो एक लालच में भी होते हैं कि यार अगर ये ट्रिकी चला जाएगा तो हमें तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा ही नहीं, मिसेस पंपरे तो ये सोच कर दे रही है खाना ये सब अंडे ब्रांडी वगैरह के जो है मेरा डॉग खा रहा होगा, लेकिन वो डॉग को तो खिला ही नहीं रहे, वो तो खुद खा रहे होते हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत दुखी होती है, बार बार कॉल करती रहती है क्या मेरा डॉग ठीक है, ट्रिकी सही है, उसने खाया नहीं खाया, वो मेरे बगैर रह रहा है नहीं रह रहा। तो फिर मिस्टर हैरियट ये फैसला कर लेते हैं कि भाई चलो अब बहुत हो गया, अब इसको दे ही देते हैं, क्योंकि क्या परेशान करना इसको। तो अब वो दिन आता है जब मिस्टर हैरियट पंपरी को मिस्टर हैरियट ट्रिकी को मिसेस पंपरी को डिलीवर करते हैं। अब मिसेस पंपरी जो होती है वो अपनी कार लेकर हॉस्पिटल के बाहर आती हैं, तो डॉक्टर हैरियट उनसे आके मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप मत आइए मैं खुद ट्रिकी को ले आता हूँ। अब वो ट्रिकी को उठा के लेकर आते हैं, तो ट्रिकी जैसे ही अपनी मालकिन को देखता है भौंकना स्टार्ट करने लगता है और खूब चाटता है उनकी कार को वगैरह को। तो मिसेस पंपरी इतनी ज्यादा खुश होती है कि ट्रिकी को स्वस्थ देखकर, वो तो चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो उसे इतना ज्यादा खाना देती थी और वो समझती थी कि मैं अभी इसे कम खाना दे रही हूँ, वो प्यार में उसे खाना दे रही थी। तो उसके बाद वो जाते जाते जो है ना कहने लगी ये एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, ये सर्जरी की जीत है। तो यहाँ पर ये जो लाइन जो कही गई है मिसेस पंपरी द्वारा, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत है, वो समझ रही थी कि इसके साथ जो है उन्होंने सर्जरी करी है, कोई डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी के साथ सर्जरी करी है। लेकिन डॉक्टर हैरी इतने वाइज होते हैं, वो अपने प्रोफेशन में इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि उन्हें पता होता है कि ट्रिकी को बस ये प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हद से ज्यादा खाना खिला दिया जिसकी वजह से वो सुस्त हो गया और आलू बन गया एक तरह से, तो बस इसको थोड़ी सी एक्सरसाइज दो, खाने की कटौती कम करो, ये अपना आप ठीक हो जाएगा। तो समझते हैं कि मिसेज हैरियट ने ना इनकी सर्जरी करी है, तो सर्जरी की जीत हुई। तो बेसिकली ये कहानी इसी बारे में है कि एक डॉग को किस तरह खाना खिला खिला कर पूरा आलू बना दिया था और मिस्टर हैरियट ने उसे चालाकी के साथ बहुत अच्छे से वापस उसी शेप पे ला दिया। तो चले हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज मिसेस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसेस पंपरी क्यों हमेशा ट्रिकी के बारे में चिंता रहती थी। ट्रिकी हैज बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, फैट भर गया था उसके अंदर। ही हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, और साथ साथ उसने सबका इंटरेस्ट ही खो दिया था, क्योंकि उसे इतना खाना दिया गया कि वो उसे कुछ इंटरेस्ट नहीं, बस लेटा रहता था। ही सीम्स टू बी लॉस्ट इन हिज इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, वो ऐसा दिखता था जैसे अपना इंटरेस्ट भी खो दिया साथ साथ अपनी ताकत भी खो दी। शी इज वरीड अबाउट इट ट्रिकी, इससे वो वरीड रहती थी कि भाई इसको क्या हो गया, ये कहीं मरने तो वाला नहीं है। रीजन नहीं पता था कि मैं ज्यादा खिला खिला के इसे ऐसा कर रही हूं, बल्कि उन्हें ऐसा लगता था कि इसको कुछ हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ डज मिस्टर डॉक्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी, ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट ने कैसे ट्रीट किया। ही ट्रीट द डॉग वेरी वाइजली, बहुत ज्यादा वाइजली, दिमाग से किया। ही नोज द रियल रीजन, उन्हें असली रीजन पता था ऑफ द ट्रिकीज इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी का। सो ही डज नॉट गिव एनी मेडिसिन, वो उसको कोई मेडिसिन नहीं दी, ना ही कोई सर्जरी करी,
टू द डॉग ही जस्ट मेड, बस उसे क्या करा, भगाया, मेड हिम रन, भगाया विद अदर डॉग, अदर डॉग के साथ उसे भगाया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन है, व्हाई इज द टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ऑन एज परमानेंट गैस ही, मतलब वो क्यों उत्सुक था कि ट्रिकी को अपना परमानेंट गैस ही रख ले, मतलब ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने पास रख ले, वो ये सोच रहे थे डॉक्टर हैरियट मिस, क्यों रीजन, क्योंकि जब वो था वहां पर तो मिसेस पंपरे खूब खाने का दे रही थी, इसलिए यही रीजन है। मिसेस पंपरे सैंड एग्स देती थी एंड ब्रैंडी एंड वाइन फॉर द डॉग के लिए, डॉग के लिए थी, बट नरेटर जो अपने मिसेस जो जिसने कहानी लिखी उनका नाम है डॉक्टर हैरियट है, गिव नथिंग, कुछ नहीं रहते थे डॉग को, ही यूज फॉर हिमसेल्फ, इसको अपने लिए इस्तेमाल करते थे, खुद खाते पीते रहते थे, दैट्स व्हाई ही इज टेम्प्टेड, उत्सुक थे टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस पंपरे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, अभी कहानी का ही मतलब आ गया, क्वेश्चन ऐसा लगता है कि डिस्क्राइब द टाइटल ऑफ ट्रम्प ऑफ सर्जरी के क्या है, तो इसमें आप सब लिख सकते हैं कि डॉग को विदाउट मेडिसिन दिए हुए उसने ठीक कर दिया, और ये जाते समय मिसेस पंपरे ने कह दिया दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस पंपरे इज एन इनोसेंट लेडी, बहुत ज्यादा इनोसेंट लेडी थी, शी लव्स हर डॉग, अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी, एंड टू मच, बहुत ज्यादा, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो यही नहीं समझ सकती थी कि दैट हर टू मच लव, उनका ज्यादा प्यार हैज मेड द डॉग इल, उसको बहुत ज्यादा इल बना रहा है, इल का मतलब होता है बीमार बना रहा है। सो व्हेन शी गेट ट्रिकी बैक, जब वो ट्रिकी को वापस पाती है उसी ठीक पोजिशन में, तो शी कॉल्स इट अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी की जीत हुई, और ये तो सर्जरी की जीत हुई ये कहती है, और असलियत में उन्हें नहीं पता होता है कि डॉक्टर हैरियट ने कोई सर्जरी नहीं की, दिमाग चलाया और उसको ठीक कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि कैसे भी आ सकता है, कमेंट करें, मिस्टर हैरियट इज अ वेटरनरी सर्जन, एक समझदार, एक बहुत अच्छे सर्जन थे, या हाउ डिड ही हेल्प ट्रिकी टू गेट बैक इन हिज शेप, और ट्रिकी को उसकी शेप में लाने में उन्होंने कैसे मदद करी, कमेंट करें, ठीक है। तो कैसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे, फिर यही सब मिला के एक कर दो काफी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिसेस हैरियट इज अ सेंसिबल एंड वेटरनरी पर्सन थे, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग के और बहुत ज्यादा समझदार बंदे थे, कहाँ क्या यूज करना है उन्हें सब पता था, तो ही सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया मिसेस पंपरी से, कट डाउन द रिच डाइट, ये जो रिच डाइट है ना अपनी, ये जो रिच डाइट देती हो, ये आइसक्रीम, ऑयल, पता नहीं क्या क्या, इन सबको प्लीज कट डाउन कर दो, गिव हिम प्लेंटी, सिर्फ एक्सरसाइज दे दो, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ साथ जब उन्होंने नहीं करा तो उन्होंने कहा चलो 15 दिन के लिए मुझे दो, मैं करता हूँ, फिर उसके बाद उन्होंने खुद ट्रीट किया, ही ट्रीटेड ट्रिकी ओनली गिविंग वाटर, सिर्फ और सिर्फ पानी दिया, एंड मेड हिम वॉक विद अदर डॉग के साथ, उसे चलवाया, भगवाया, इस तरह आराम से ट्रिकी ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो चुका है विद समरी, और साथ साथ जो है इसके क्वेश्चन आंसर भी, कि जो इम्पोर्टेंट है वो सब कवर हो चुके हैं।